شاگرا لپٹن چاہیے نا اے شو پاگل کرو زائے تو شو گائے وے آسان گھر یہ تو کارڈیو ہے بالکل एक साल से जानता हूँ आप लोगों को है ना कश्मीरी ये क्या निकली हेकड़ी निकली शाकिर कुछ कहना चाहता है अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे अल्लाह आप सबको सलामत रखेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दो दिन से लगातार बारिश हो रही है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मौसम दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है पता नहीं ऐसा क्यों है अल्लाह ताला का इरादा क्या है क्यों कि हमने सोचा था हम कहीं दूर राइड करते हैं कहीं जाएंगे बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ चलो अल्लाह की मर्जी तो उसको कौन टाल सकता है सुबह सुबह आया था शाकिर के घर और चाय से जो है ना वो एनर्जी मिलती है खाना हो या ना हो लेकिन चाय जरूरी होनी चाहिए तो ये रखते हैं हम साइड में बाकी हम अपनी चाय उठाते हैं बाइक मेरी यहाँ है देखो यार मैंने तो चाय बनाई लेकिन रोटी लाना भूल गया सो अब हम रोटी लाते हैं मुझे शाकिर ने बोला यार रोटी तो लाओ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है चलो ठीक है बाहर से रोटी लाते हैं देखेंगे इसके पास रोटी होगी या नहीं रहे बिस्किट्स वो उठा उधर से शाकिर और यहाँ से हम जो ना अपनी चाय लाते हैं यहाँ से जो ना वो सहेल रेडी हो गया है मेरा रेनकोट लगाकर इसको जाना है कहाँ भाई कुछ लाने चुक हाँ बिरयानी लाए गए लेकिन बाहर से जो ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने सहेल को बोला कि आप रेनकोट लगा के जाओ तो वहां से ये लाओ मतलब बिरयानी कुछ खाने के लिए लाओ क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है बाहर तो हम निकल नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है क्या हालत गुम खराब पूरा भरा हुआ है तो यार बाहर से जो ना वो मौसम कोजी जैसा है मगर मिशन पाई कोजी क्या गो मैंने शाकिर कोजी क्या गो मतलब ठंड थोड़ी बहुत है ना और यहाँ से शोला और यहाँ से खाना माशाल्लाह तो अभी हम खाना खाते हैं फिर इसके बाद हमें कहीं जाना है अल्हम्दुलिल्लाह अभी खाना खा के हमने खत्म किया तो अभी मैं और गगन जो है ना वो जा रहे हैं कहाँ की ओर कहाँ जा रहे हैं जिम हाँ जी गगन जिम जाता है आजकल तो गगन ने मुझे बोला कि यार आप भी मेरे साथ आओ अच्छा आओ ये छोला बांध था छोला छोलो इसलिए बांध था यहाँ से निकले और जाना है इस बंदे को जो है ना वो जाना है जिम ड्राइवर हमारा शोला है मैंने इसी को बोला यार आप सर्दी बहुत ज्यादा है बाइक यहाँ रख के आ गए हम आई लव त्राल के पास गगन गया अंदर इस साइड में तो अभी हम जो है ना उसी साइड में अच्छा ये यहाँ से जिम गगन गगू वार्मअप नहीं किया तूने मत किया झूठ बोल रहा है तूने डंड भी नहीं मारे यार तूने सीरियसली वार्मअप भी नहीं किया तू क्या बकवास बोल रहा है ऐसा है ना तू ऐसे हो जाएगा वार्मअप किया कर क्या बस निकली हेकड़ी निकली और कैसे कर ये वाला सिस्टम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा मारते है इसको आई डोंट नो उससे क्या होता है और इससे वार्म अप होता है ये वाला सिस्टम लेकिन गगन ने इनमें से कुछ भी नहीं किया सब छोड़कर गगन आ गया यहाँ देखो यार ओह बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है इसको करम भाई आप ठीक हो खत्म हुए आप ओह ये हमारे दूसरे भाई है करम भाई यहाँ से कश्मीरी ये क्या गोरी योहनी सिंह छोड़ भाई यहाँ हमारा गगन सिंह है ना गगन सिंह तो अभी जिम में आए हैं तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत जिम कुछ टाइम के लिए कर लेता हूँ बाकी हमसे तो जिम नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने कब का छोड़ा है जिम जब हम आदेश में थे तब हम जिम करते थे ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने किया था फिर छोड़ दिया क्योंकि यार एक जगह हम टिक नहीं पाते हैं आज यहाँ तो कल पता नहीं कहाँ होंगे हम है ना करम भाई बिल्कुल बिल्कुल तो अभी हम करम भाई के पास कैमरा देते हैं
और मैंने सोचा यार इसमें जो ना थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि ये कर लेते हैं, तो आज मैं भी कर लेता हूँ। इससे क्या हो रहा है करम भाई? इससे स्ट्रेच होता है थोड़ा बहुत। कार्डियो है? बिल्कुल बिल्कुल कार्डियो, वार्म अप के लिए। ओ और जोर से है? और जोर से, मजा नहीं आया। आप कैसे हो? बराबर ना कोई सुनता है? आप कैसे हो? रुक रहा ये क्या रुक नहीं रहा ना कम ऐसे ही भूसा गगन जो है ना वो बस बातें करता रहता है। अगर इसमें इतना दम है ये आर के खुद करे। आ आ ये यहाँ पे हाँ गगन देखा ही करता हूँ ये देखा आप लोगों ने ये वाली मैं करता ही नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा यार। आपको लगता है कर लेगा? कर लेगा, कर लेगा और जोर लगाएगा भी। मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज सिखाता हूँ ठीक है? देखो आसान, अगर तो ऐसे गाय वाय आसन घर उनसे रास गांडुक ट्री। अच्छा मन से गाय वट तो ना। अच्छा चाय क्या युद्ध ही कर रहे थे मिला है कितने कर थी क्या? तो जिम से निकलते ही हम आ गए कहाँ, यहाँ। और यहाँ जो है ना खासकर इसकी तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे, तो अब हम चाय पी लेते हैं और साथ में परोठा है, पकोड़े है और यहाँ से मज़ेदार चटनी है, तीखी चटनी। और एक गगन पकोड़े खा रहे हैं अंकल जी के हाथों। ओ भाई क्या सीन है, बहुत ही बढ़िया। माशाल्लाह अभी जो अस्ताना आलिया का व्यू है ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ की ओर, त्राल के आबगढ़ की ओर। अभी टाइम आया है ऑलमोस्ट 7:30 और मेरे साथ गगन है भी और शाकिर, जो शाकिर और सहेल जो है ना वो गए हैं कुछ लेने के लिए। मैक्सिमम लोग जो है ना वो बोलते हैं गगन को एटीट्यूड है, शाकिर को एटीट्यूड है। और जैसे कि हम पिछले टाइम गए थे ना पहलगाम, तो फिर वहाँ भी मुझे बहुत सारों ने बोला था कि यार इनको मतलब कमेंट सेक्शन में इनको एटीट्यूड है, ये रुके ही नहीं। इवन कि मैंने इनको समझाया भी था कि हम जो है ना वो जिस भी पार्क में जाते थे वहाँ कितने लोग आते थे, हमें एंजॉय करने नहीं देते थे। प्यार है लोगों का आपके लिए, आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन ये किस हद तक सही है? सही है गलत है, क्या बोल रहे हो? देखो सही है, पर हम जब पिछली बार गए थे उधर हमने कोशिश की थी कि अगर 10,000 लोग आए थे हमारे पास बराबर 9,999 लोगों से मिलने की, जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया। पर फिर भी लोगों को शायद मतलब हो सकता है हम किसी से नहीं मिले होंगे, फिर उन्होंने ऐसा बोला होगा, पर उसके लिए सॉरी। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एटीट्यूड वगैरह ये सब इंसान में नहीं होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं इनसे पिछले 1 साल से जानता हूँ आप लोगों को, है ना, और ऐसी दोस्ती है कि जैसे हम बचपन से एक साथ है, ऐसी दोस्ती है। टू बी ऑनेस्ट मैंने इनमें वो एटीट्यूड नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा, मतलब जो भी हमारे साथ है किसी में भी वैसा चीज़ नहीं है। अब किसी से नहीं मिले तो थोड़ी बोल सकता है वो बंदा में एटीट्यूड है। गगन देखो कहाँ है, तो अभी गगन और मैं जो है ना वो वापस आ गए, तो शाकिर और सहेल अभी वही हैं। तो सहेल जो है ना वो गया है शाकिर को लाने, ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड मुझे लग रही है। तो जी हाँ गाइस, तो अभी मैं कर रहा हूँ व्लॉग खुद, क्योंकि वाइनी भाई को गांड हो गया और वाइनी भाई ने पी पानी। तो गाइस आप देख सकते हैं वाइनी भाई की हालत, और ये खा रहे हैं अभी खाना कबाब के साथ। शोला भाई थैंक यू, वेलकम। दो बार वेलकम क्यों? अच्छा थैंक यू किस लिए? तुम्हारे घर वालों ने खाना भेजा आज। अरे शैगरा लिप्टन चाय ना, दूध का क्या? दूध का, दूध का और लगन ये मसाला हम साइन हम बजे डॉल बटराने गोड़ तो अभी हम जो ना ऐसी चाय बनाएंगे, चाय हम जो ना कड़क बनाएंगे, बिकॉज चाय में हम एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं।
ये जो दादी फोटो है वो शेखरा दादा फोट शाकिर दादी फोटो से अत के गो ना तय शु पागल करो जाय वन के करो क्या जे की थी पढ़िया मैं और बच्चा भी तो पढ़ वन कर काम तो गाइस आप कमेंट कीजिए अब थोड़ा बचा है पहले मैं उसको उबाल लेता हूँ देखता हूँ कि अगर वो भी फट गया तो फिर गए हम चाय से आज चाय से गए हम चलो कोई बात नहीं टेंशन है तो अभी जो ना वो चाय फ्लॉप हो गई बिकॉज दूध फट गया अब हम काम के करते हैं यहाँ देख रहे हो आप पतीला हमने जो है दूध फट गया है ऑब्वियसली यही बोलूंगा लेकिन और कुछ बोलूंगा पतीला लगाया है अब इसमें जो ना वो मैगी डालते हैं पहले से उबाल के रखी है हमने तो ये रही हमारी क्लीन मैगी मैंने प्रोफेशनल तरीके से करेंगे हाउ टू मेक ए मैगी इन वन मिनट हाँ जी इसमें हम अभी हम मसाला डालते हैं और इसी के साथ मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि चाय तो नहीं बनी बट मैगी हम बनाएंगे मैगी कब तक तैयार हो जाएगी वो तो मालूम नहीं बिकॉज अभी टाइम आ गया 1:45 AM नॉट ए पी एम ए एम टाइम आ गया मतलब रात के तो अभी इसी के साथ मैं बोलूंगा कि लव यू सो मच डेली व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो उसके लिए लव यू ऑल शाकिर कुछ कहना चाहता है शाकिर की तरफ कैमरा किया जाए मेहरबानी करके कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत ही मेहनत करता है इसकी चैनल को सपोर्ट करो सो ये व्लॉग इधर ही अब एंड करते हैं आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फेसबुक पर फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहो खुशहाल रहो इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह।